हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, देखिए आज मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों के सीजन में पूरा मार्केट जो है ना हरी हरी सब्जियों से, बहुत सारी एकदम फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। तो उन्हें हम किस तरह से बजट के अंदर प्रिजर्व करके ऑफ सीजन में उनका मजा ले सकते हैं या फिर महंगी सब्जियों को खाने से बच सकते हैं। ना आपको जिपलॉक बैग लेने की जरूरत है, तो सारे वो तरीके बताऊंगी कि किस तरह से मैंने यहाँ पर अपने फ्रीजर में मैनेज की है सब्जियों को, और आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। महंगाई की मार से बचने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और जितना हो सके प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स के मेरे चैनल पे सारी तरह के अलग अलग वीडियो भी हैं, वो भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैंने शुरुआत की है यहाँ पर, एक कोशिश की है कि कुछ सब्जियां जो कि हमारे डेली यूज में काम आती हैं उनको मैं एक ही वीडियो में किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ लेके आई हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको पिछले साल की प्रिजर्व की हुई कुछ सब्जियां, हालांकि सारी तो नहीं बची हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है टमाटो प्यूरी के क्यूब्स जो कि मैंने पिछले साल प्रिजर्व किए थे और आपके साथ में शेयर भी किए हैं मैंने ये सारे के सारे प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स के वीडियो। और ये है बीन्स, देखिए पिछले साल के अभी तक कितने बिल्कुल ग्रीन है, इनके कलर के ऊपर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सब चीजें अब खत्म होने वाली है, तो इनमें से काफी वीडियो तो मैंने आपके साथ में शेयर कर लिए थे। आज मैंने सोचा कि कुछ सब्जियों के, सारी सब्जियों के कुछ वीडियो जो है मैं एक ही वीडियो में आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि इस साल भी जो मैं प्रिजर्व करने वाली हूँ वो किस तरह से करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये है ऑरेंज जूस, जी हाँ ऑरेंज जूस को मैंने प्रिजर्व किया था और ये भी मैंने आपके साथ में लास्ट ईयर शेयर किया हुआ है। और अब ये देखिए तीनों कलर की शिमला मिर्च लास्ट ईयर की, जी हाँ एक साल से ऊपर हो चुका है, ये मैंने दिसंबर के अंदर शायद इसको प्रिजर्व किया है, रेड येलो और ग्रीन वाली शिमला मिर्च बड़े बॉक्स में थी, काफी जो है खत्म हो गई, तो फिर मैंने इन सबको अलग अलग बॉक्स में, जिस तरह से ये कम होते चले जाते हैं तो मैंने चेंज भी करती रहती हूँ इनके डब्बों को। और ये नेक्स्ट बॉक्स खोलूंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी एक साल से बिल्कुल ऐसे कैसे है। जी हाँ ये देखिए, ये है स्प्रिंग ओनियन, यानी कि ग्रीन वाला जो हरा प्याज मिलता है ना उसके पत्ते, जो कि मैं पुलाव में भी इस्तेमाल करती हूँ और फ्राइड राइस में भी। तो ये देखिए बिल्कुल एज इट इज, इनके कलर को भी बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि आज मैं ये आपको शेयर नहीं कर रही हूँ स्प्रिंग ओनियन वाला। और ये देखिए, ये है लेमन जूस के क्यूब्स, ये देखिए बस डालिए और शुगर पाउडर डालिए, शिकंजी तैयार। और अगर आपको शिकंजी वाली भी जो है लेमन जूस किस तरह से प्रिजर्व करना है वो भी मैंने आपने जो चैनल है उस पर शेयर कर रखा है। गाजर और फूल गोभी और मटर, ये तीनों आइटम जो है मेरे खत्म हो चुके हैं फ्रीजर के अंदर। और टमाटर जो मैंने पूरे पूरे साबुत टमाटर जितने भी मैंने प्रिजर्व किए थे वो भी पूरे खत्म हो गए हैं। आप विश्वास मानिए, जब महंगाई आई थी 2023 में, टमाटरों के ऊपर जब मार पड़ी थी महंगाई की, मैंने एक भी टमाटर मार्केट से परचेज नहीं किया था क्योंकि मैंने इतने टमाटर प्रिजर्व कर लिए थे। और आपने देखा ही कि टमाटर प्यूरी तो मेरी अभी तक भी इसमें क्यूब्स पड़े ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप भी ले आइए फटाफट सदी में जितनी भी मार्केट में सब्जियां है ना बजट के अंदर, जल्दी से दौड़ के जाइए और ले आइए और कर लीजिए बजट में इनको प्रिजर्व। तो शुरुआत करते हैं टमाटरों से, भाई महंगाई का क्या भरोसा है, और वैसे भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है ना तो 3-4 महीने के लिए ही बढ़ जाती है, तो हमें इतना तो कम से कम अपने अपने फ्रीजर में प्रिजर्व कर ही लेने चाहिए कि हमें उस महंगाई के दौर के अंदर या फिर जब भरी गर्मी होती है ना मई जून, उस समय हमें ये चीजें काम आ जाए। और ये देखिए टमाटरों को मैंने इस तरह से कट किया है, आपने देख ही था ऊपर का हिस्सा उसका काट लेना है, अंदर अगर व्हाइट पार्ट ज्यादा है ऊपर के हिस्से में उसे भी हटा देना है, और अपनी पसंद के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ट्रे या प्लेट उसमें इस तरह से आप जमा लीजिए, और फिर इसको कवर करना है, किसी से भी कवर कर सकते हैं इस तरह के जिपलॉक बैग से, या फिर घर में कोई भी प्लास्टिक की थैली हो उससे, या फिर फॉयल पेपर के साथ में कवर करके इसे डाल देंगे हम फ्रीजर के अंदर 24 आवर्स के लिए। और ये देखिए, ये है मटर जिन्हें मैंने छील लिया है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये सारी सब्जियां जब मैं लेके आई थी ना उसी समय मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और पूरी रात मैंने इसे फैन के नीचे सुखाने के लिए रख दिया था, धूप में नहीं डालना है, और मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो
अब बारी है शिमला मिर्च की। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई, हाँ फूल गोभी को मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है, अदरक और ये बाकी सारी जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें मैंने वॉश करके ही काम में ले रही हूँ। अब यहाँ पे शिमला मिर्ची को भी जिस तरह से मैंने आपको कहा, टमाटर के भी जो अंदर कोई व्हाइट पार्ट ज्यादा है तो उसे हटा देना है। तो शिमला मिर्च के अंदर के सारे ये बीज और ये व्हाइट पार्ट को मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है। और उसके बाद में आपको किस कितनी साइज और किस शेप में आपको शिमला मिर्ची को प्रिजर्व करना है वो आप कर लीजिए। मैं यहाँ पर जिस तरह हम पिज्जा के अंदर या फ्राइड राइस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मैगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बस वही वाली कटिंग और चॉपिंग करके इस तरह से मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्च को तैयार कर लिया है। तो हर चीज के प्रिजर्व करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है और किस चीज को प्रिजर्व करने के टाइम हमें क्या डालना है और किस तरह से रखना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शिमला मिर्ची कट चुकी है और अब बारी है फूल गोभी को कट करने की। तो पिछला हिस्सा जिस तरह से हम घर में गोभी बनाते वक्त क्लीन करते हैं, बस क्लीन कर लेना है और थोड़ा सा पीछे के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उसके बाद बाकी का जो पीछे का हिस्सा है ना उसे भी हम प्रिजर्व करने के लिए काम में लेंगे। अच्छा, फूल गोभी को प्रिजर्व करने के लिए मैं किस तरह से काटती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो पिछला हिस्सा है उसे नीट एंड क्लीन करके मोटे मोटे हिस्सों में मैंने यहाँ पर काट लिया है। उसके बाद में फूल गोभी जो है ना छोटे छोटे फूल के साथ में ही बंधी हुई होती है, तो मैंने यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हुए यहाँ पर मैंने सारे गोभी के फूल के जो अलग अलग फूल है उन्हें इस तरह से हाथों की मदद से ही कट कर लिया है। जैसे कि हलवाई जब फूल गोभी मटर की सब्जी बनाते हैं ना तो किस तरह से हाथों से कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखिए फूल गोभी हो गई तैयार हमारी कट के और अब बारी है बीटरूट की। ऊपर से बीटरूट जो है शलजम जिसे कहते हैं हिंदी में वॉश किए हुए हैं, फिर अब मैं इसका ऊपरा जो रूट वाला पार्ट है उसे हटा के इस तरह से स्किन जो है इसकी पील करके इसे भी आप अपनी पसंद के हिसाब से किस तरह के आपको पीसेस रखने हैं उस तरह से कट करके मैंने यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे कट कर लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे किस तरह से रखना है प्रिजर्व उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। सेम प्रोसेस है गाजर के साथ में, ऊपर और नीचे का हिस्सा भी जो है हम हटा देंगे। उसके बाद में इसकी स्किन को करेंगे पील, चाहे आप नॉर्मल चाकू से इसकी स्किन को हल्का हल्का हटा दीजिए या फिर पिलर वाला जो चाकू होता है ना जिससे आलू के छिलके वगैरह हम पील करते हैं उस वाले चाकू से भी आप उसकी मदद से हटा सकते हैं। उसके बाद में अंदर का व्हाइट पार्ट अगर बहुत ज्यादा है गाजर के तो वो भी आप हटा दीजिए और उसके बाद में अपनी पसंद के हिसाब से इन पीसेस को कट कर लीजिए। मैंने ये कॉमन इस तरह से कट किए हैं, स्क्वायर कटिंग किए छोटे छोटे पीसेस में जो कि सभी में काम आ जाते हैं। और अब बारी है अदरक की। अदरक पूरी तरह से वॉश कर लीजिए अच्छे से, बहुत मिट्टी होती है। तो वॉश करने के बाद में जब ये सूख गई मतलब मैंने इसको फैन की हवा में जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी रात रख लिया था। अब इसको इस तरह से सिंगल सिंगल पहले कट कर लीजिए ताकि आप इसे हाथों में पकड़ सकें, क्योंकि अदरक का शेप है ना कहीं से हाथ निकल रहे होते हैं कहीं से पाँव निकल रहे होते हैं। ऊपर की स्किन को पील करने के बाद में कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि आपके हाथों से ये फिसले ना। और जो कद्दूकस करने वाला बर्तन होता है उसके बड़े वाले होल की तरफ से मैंने यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लिया है। इसको प्रिजर्व करने का तरीका क्या है बहुत ही अलग तरीका बताऊंगी मैं आपको, हालांकि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अलग अलग वीडियो में, लेकिन आज जो मैंने जैसा कि कहा कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो इस तरह से पूरी अदरक को मैंने यहाँ पर साफ करके उसकी स्किन को पील करके और इस तरह से कपड़े से पोंछ के सभी को मैंने यहाँ पर पूरा रेडी कर लिया है कद्दूकस करके। तो हमारी अदरक भी रेडी है पूरी तरह से ये प्रिजर्व होने के लिए। और अब इसे प्रिजर्व कैसे करना है चलिए साथ साथ बता देती हूँ। इस तरह की प्लेट ले लीजिए या फिर कोई ट्रे ले लीजिए, इस तरह की लीजिए जो आपके फ्रीजर के अंदर पूरी तरह से आ जाए। वहां पर आप जब भी चाय के अंदर अदरक डालते हैं ना तो आपके घर में कितनी क्वांटिटी में चाय बनती है, जब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि छोटे छोटे एक या दो कप चाय बने उतनी ही अदरक को आप इस तरह से प्लेट में जमा लीजिए या फिर ट्रे में जमा लीजिए, या फिर आप आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है ना बर्फ की ट्रे होती है उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि फ्रीजर के अंदर वो समा जाए। जब आप इसे इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में सेट कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है और इसके अंदर क्या डालना है वो भी मैं बताऊंगी और उसके बाद में क्या करना है वो भी बताऊंगी। तो पहले मैंने यहां पर इस तरह से सेट कर लिए, आप जैसे भी चाहे इसे सेट कर सकते हैं। ये है शुगर, जी हाँ पाउडर शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, दानेदार शुगर जो हमारी नॉर्मल घर में शुगर होती है वो लेनी है। और देखिए एक एक दो दो चुटकी हर अदरक के जो हमने कद्दूकस की हुई अदरक को जिस तरह से हमने रखा है ना सेट करने के लिए उसके
ऊपर हमें इस तरह से डाल देनी है। अब आप बोलेंगे कि ये शुगर तो हम कद्दूकस करने के बाद में उसमें अदरक में मिला ही सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि अदरक के अंदर इस तरह से मिलाने से वो पानी छोड़ेगी। तो बस इसे ऊपर से ही शुगर को जो है इस तरह से रख देना है और उसके बाद में इन्हें कवर कर लीजिए वैसे ही पॉली बैग, प्लास्टिक के बैग में या फिर आप फॉइल पेपर से, और रख दीजिए फ्रीजर के अंदर 24 आवर्स के लिए। ये देखिए शुगर इस तरह से रखनी है, शुगर को अदरक के अंदर मिलाना नहीं है, नहीं तो वो अपना पानी छोड़ेगी और अदरक का जूस जो है ना वो खराब हो जाएगा, उसकी खुशबू वैसी नहीं रहेगी। तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आजमाया हुआ तरीका है, जो कि जब सीजन नहीं था मई जून के अंदर तब मैंने उस अदरक को, प्रिजर्व की हुई अदरक को पूरा इस्तेमाल कर लिया, वरना मैं आपको दिखाती, इसका कलर के ऊपर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और अब बारी है इन बीन्स को कट करने की। अगला और पिछला हिस्सा कट करके मैंने बीन्स को अपनी पसंद के अनुसार काट के रख लिया है और अब बारी है इनको प्रिजर्व करने के तरीके की। तो मैंने गैस पर एक भगोना चढ़ा दिया जिसमें मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी, उसमें डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टेबल स्पून ही नमक। इन दोनों को मैंने इस तरह से चला लिया, जब पानी में आएगा उबाल मैंने डाल दिए मटर। और कहीं मत जाइएगा, जो खास बात है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हर एक प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल के लिए बस मटर को डाल देना है और 20 से 30 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड ही चलाया है मैंने तो इसे, और साथ में इन 20 सेकंड में करना है फ्रीजर के अंदर मैंने पानी भर के रखा था ठंडा, वो और आइस क्यूब उसके अंदर डाल दिए, यानी कि बिल्कुल चिल्ड वाटर में बस 20 सेकंड मटर को इसमें गर्म पानी, बॉयल हुए पानी में डालना है और इस ठंडे पानी के अंदर फिर डाल देना है। और जैसे ही ये ठंडे पानी में डालेंगे फटाफट से जल्दी से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इनका कलर जो है बिल्कुल भी वैसा खराब ना हो, कि ये वाइट हो जाए, एकदम हरे हरे मटर हो, ऐसा हमें करना है। और फिर कपड़े पे फैला देना है पंखे की हवा में, धूप में नहीं फैलाना है। गैस की आंच को मैंने धीमा ही कर रखा था, बंद नहीं किया था, उसमें मैंने बस यहाँ पर 1/4 टीस्पून शुगर और डाल दी है और 2-3 चुटकी नमक और डाल दिया है। जैसे ही पानी गर्म हुआ हम इसी के अंदर बीन्स डाल देंगे और बीन्स को क्या करना है आपको, 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं, बीन्स को इस तरह से चला लीजिए और 10 सेकंड के अंदर निकाल लीजिए। और सेम प्रोसेस है, अगर पानी पिछला वाला गर्म हो गया है तो 2-3 आइस क्यूब आप उसमें और डाल दीजिए और ठंडे पानी में से निकाल के इसको स्ट्रेन कर लीजिए और इसे भी फैला देंगे हम कपड़े पर फैन की हवा के नीचे। देखिए इनके ऊपर का पानी ड्राई होना चाहिए लेकिन सब्जियों के अंदर की नमी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो 1 घंटे से ज्यादा आप बिल्कुल ना रखें। उसके बाद में पानी बॉईल हो रहा था, गैस बिल्कुल वैसे ही मैंने एक ही पानी के अंदर सारे प्रिजर्व आपको करके दिखा दूंगी, थोड़ी थोड़ी शुगर और थोड़ा सा नमक और डाल दिया, 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जो नमक मैंने, शुगर और नमक दोनों डाल दिए। मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट बनाया है ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको बता सकूं, तो थोड़ा सा आप वीडियो की तरफ भी ध्यान दे दीजिए। बस जैसे ही पानी बॉयल था मैंने यहाँ पर डाल दी फूलगोभी। फूलगोभी को आप 20 से 30 सेकंड इस तरह से चला लीजिए और सेम प्रोसेस है, ठंडे पानी में से आप इसे निकाल लीजिए और उसको पानी को जो अपने जो ठंडा पानी है वो बार बार गर्म हो जाता है तो उसमें आप आइस क्यूब डालते रहिए या फिर पानी ही पूरा चेंज करते रहिए। जल्दी से निकाल के और इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे और इसको भी फैला देंगे कपड़े पर ताकि ये भी ऊपर से पानी इसका ड्राई हो जाए लेकिन पूरी तरह से अंदर से इसकी नमी को सूखने नहीं देना है। बस इसी पानी के अंदर मैंने यहाँ पर गाजर डाल दी है। यहाँ पर मैंने पानी को जो है ना एक बार छान लिया था, पानी मैंने वही गर्म इस्तेमाल किया है लेकिन मैंने उसे छान लिया क्योंकि उसके अंदर बीन्स के जो थोड़े से अंदर के जो छोटे छोटे ग्रीन पार्ट था ना वो उसमें पड़े हुए थे तो मैंने उन्हें छान लिया है। अच्छा, गाजरों को मैंने यहाँ पर 30 सेकंड ही चलाया पानी बॉईल के अंदर और गाजर को बॉईल करते वक्त, यानी कि गाजरों को गर्म पानी में डालने से पहले मैंने नमक नहीं डाला लेकिन 1/2 टीस्पून मैंने शुगर डाल दिया था। बीटरूट को भी मैंने इसी तरह से सिर्फ 10 सेकंड डाला और 1/2 टीस्पून मैंने उसके अंदर शुगर और डाल दी थी पानी में। तो आपने देखा एक ही बार मैंने गैस पे पानी चढ़ाया और कितने कितने सेकंड रखना है किस किस चीज को, ये आप जरूर सुनिएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बस यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक फ्राइंग पैन रखा मैंने, उसके अंदर मैंने डाला है बहुत ही कम ऑयल यानी कि 1/2 टेबल स्पून और रेड वाली शिमला मिर्ची कटी हुई मैंने इसके अंदर डाली है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करना है, नमक डाल दिया 1/4 टीस्पून और हल्दी डाल दी 1/4 टीस्पून, इसको बस 10 सेकंड इस तरह से चलाना है आपको, इसकी नमी को ड्राई हो जाए, इसकी जो नमी होती है ना, जो मॉइस्चर होता है शिमला मिर्ची का, लेकिन इसकी स्किन जो है ना बिल्कुल झुलसनी नहीं चाहिए। तो बस एकदम 10 से 15 सेकंड चलाइए इसी तरह से। 1/4 टीस्पून मैंने फिर ऑयल डाल दिया, नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और फिर मैंने येलो शिमला मिर्ची और उसके बाद में ग्रीन शिमला मिर्ची को भी इस तरह से 10 से 15 सेकंड चलाया और उनका मॉइस्चर जो है ड्राई होने तक उनको चलाया और उसे निकाल दिया प्लेट के अंदर। ध्यान देने बात यही है कि जो शिमला
मिर्ची की स्किन है वो बिल्कुल भी पकनी नहीं चाहिए, हमें इनको पकाना नहीं है, बस इसका मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये मेरे पास मेडिसिन बॉक्स है, तो जैसे ही शिमला मिर्ची ठंडी हो जाएंगी मैं इन्हें इसमें सेट कर लूंगी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रिजर्व कर रहे हैं तो आप बड़े वाले बॉक्स भी ले सकते हैं। नींबू को कैसे स्टोर करें, इसका पूरा वीडियो तो मैंने वैसे डाल रखा है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि नींबू के जूस को स्टोर कैसे किया जाता है। तो बस नींबू को आपका जूस को निकाल देना है और कांच के बर्तन का इस्तेमाल करना है, फिर छान लेना है और आपको आइस क्यूब्स वाली जो बर्फ की जो ट्रे होती है उनमें इस तरह से पूरी रात आप 24 घंटे उनमें आइस क्यूब जमा लीजिए और फिर एक बॉक्स में डाल के फ्रीजर के अंदर उनको प्रिजर्व कर लीजिए। तो ये देखिए शिमला मिर्च रेडी है फ्रीजर के अंदर जाने के लिए, प्रिजर्व होने के लिए। इसी तरह से मटर भी ड्राई हो गए हैं, पानी उनका सूख चुका है, कपड़े से हल्का हल्का आप पहुंच भी सकते हैं। इसी तरह से मैंने बीन्स को भी एक डब्बे में डाल दिया। अब आप सोचेंगे ना कि ये वाले डब्बों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन डब्बों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है। आप चाहें तो ग्लास के डब्बे भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के डब्बे में डाला है और मैं देखूंगी कि मेरे फ्रीजर के अंदर किस तरह से ये मुझे सेट करने हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपके फ्रीजर के अंदर बहुत कम जगह जो है ना यहाँ पर यूज होगी। इसी तरह से मैंने गाजरों को भी डाल दिया है एक इस तरह की बर्नी में। हाँ, इन बर्नियों को अच्छे से सुखा लीजिए और ये कांच के बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने बीटरूट को भी ड्राई हो गए उन्हें भी डाल दिया। और अब बारी है टमाटरों की, जिसके बगैर बहुत कम गुजारा होता है हमारा, हर रेसिपी की जरूरत। तो देखिए 36 आवर्स के बाद में ये टमाटर बिल्कुल बर्फ के जो गोले होते हैं ना उस तरह से ये बन चुके हैं। साउंड सुनेंगे आप, ये देखिए है ना। तो बस अब क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक के या किसी भी डब्बे में आपको इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने फ्रीजर के अनुसार अपने हिसाब से इन डब्बों का यूज कर सकते हैं। बस डब्बे जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो ये भी रेडी है फ्रीजर के अंदर जाने के लिए। इसी तरह से मैं अदरक की ट्रे भी ले आई हूँ जो मैंने इस तरह से प्रिजर्व की थी, थोड़ी थोड़ी सी शुगर रखकर। देखिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के सोन पपड़ी के या किसी भी ड्राई मिठाई कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना उन्हें भी आप रिजर्वेशन में काम में ले सकते हैं। वैसे तो आपकी इच्छा है कि आप किसी भी तरह के जिपलॉक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए अदरक है ना, आप जितनी अदरक चाहें, आप इससे कम भी चाहें तो आप इसको तोड़ के यूज ले सकते हैं। हालांकि जितनी मैंने अदरक का एक जो पीस बनाया है वो 2-3 कप के लिए जो है बिल्कुल सफिशियंट है। और इस तरह से आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है बर्फ की ट्रे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लेट की बजाय, प्लेट में इस तरह बिखर जाती है कई बार निकालते वक्त। तो इस तरह से पीस जो है आप रेडी करके अदरक की फ्रेश वाली जो सर्दियों में ताजी ताजी अदरक होती है ना जो हमें गर्मियों में नहीं मिलती आप तैयार करके रख सकते हैं। मैं अभी अदरक तो और भी प्रिजर्व करूंगी और जो अदरक के लच्छे बिखर गए थे मैंने उन्हें फिर से एक आइस ट्रे में डाल दिया है और जब ये भी तैयार हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी और इसके अंदर मैं अभी और भी अदरक प्रिजर्व करूंगी। और ये भी तैयार है पूरा का पूरा डब्बा फ्रीजर के अंदर जाने के लिए। और ये सारी वेजिटेबल प्रिजर्व की भी अब तैयार है सारे फ्रीजर को अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। मैंने गोभी और गाजर के डब्बों को चेंज कर लिया क्योंकि उनकी थोड़ी सी विड्थ थी वो थोड़ी ज्यादा थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रीजर के इस तरफ ये सब सब्जियां रख दी। अगर ये वीडियो और ये तरीके आपको पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ किसी नई रेसिपी या किसी नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।